वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। दोस्त आपको पता ही होगा जैसे कि हम लोग आज भोपाल से दोस्त सलकनपुर की ओर जाने वाले हैं। दोस्त सलकनपुर माता जी के दर्शन करने के लिए, तो दोस्त हम लोग फोर व्हीलर से जा रहे हैं। और ये दोस्त भोपाल से आपको सबसे पहले दोस्त मंडीदीप जाना पड़ेगा। मंडीदीप से दोस्त आपको अब्दुल्लागंज पड़ेगा, और अब्दुल्लागंज से दोस्त आपको ब्रिज से चढ़ते हुए दोस्त आपको सलकनपुर के लिए एक रास्ता मिलेगा, जो कि दोस्त एक जंगल वाला रास्ता पड़ता है। आप जब जिस रास्ते से जाते हो दोस्त, तो बहुत ही बरसात के समय पे दोस्त बहुत ही मज़ा आने वाला है, क्योंकि दोस्त इस जंगल वाले रास्ते पे दोस्त इतना प्यारा प्यारा व्यू बना है कि दोस्तों मैं बता नहीं सकता। और आप यहाँ से फ़ोटो वगैरह ले सकते हैं। यहाँ पे दोस्त पहाड़ है, उसका झरना है, और बहुत ही प्यारा व्यू है दोस्त यहाँ से। आप जब बरसात के समय पर जाते हैं तो दोस्त सारी हरियाली हरियाली रहती है यहाँ पर, और उसके बाद में दोस्त आप फ़ोटो वगैरह खींच सकते हैं। और यहाँ पर दोस्त एक वाटरफॉल वगैरह पड़ता है, मतलब झरना पड़ता है। आप जाते हो दोस्त तो इतना प्यारा नज़ारा मिलेगा कार से कि आपको बता नहीं सकता। दोस्त आप रुक के यहाँ पे फ़ोटो शूट कर सकते हैं, और बरसात के टाइम पे तो दोस्त इतना प्यारा नज़ारा बनता है यहाँ पे कि मैं रियल में मज़ा आ जाता है दोस्त वहाँ पे। मैं कई बार जा चुका हूँ यहाँ से, और रोड भी बहुत ही प्यारा है। और वहाँ पर दोस्त आप जाते हो तो आपको दोस्त यहाँ से आप अच्छा व्यू वगैरह देख सकते हो, और दोस्त माता रानी के दर्शन कर सकते हैं यहाँ से आप सलकनपुर जाके। और आपको डायरेक्ट दोस्त, या तो फिर आपको दूसरा ऑप्शन ही की है, या तो फिर आप सबसे पहले दोस्त आपको सलकनपुर जाना है तो दोस्त या तो आप ये रास्ता, पहला रास्ता भोपाल मंडीदीप अब्दुल्लागंज और सलकनपुर, या तो दूसरा रास्ता एक और दोस्त आपको घूम फिर के जाना पड़ेगा, जो कि दोस्त आपको 40-45 मतलब समथिंग दोस्त 100 किलोमीटर समथिंग ज़्यादा पड़ जाएगा। आपको होशंगाबाद होते हुए आपको होशंगाबाद जाना पड़ेगा, और होशंगाबाद से दोस्त फिर दूसरा रास्ता आपके पास सलकनपुर होते हुए जाना, मतलब सलकनपुर जाना। बगैर दोस्त सबसे बेस्ट रास्ता है दोस्त आपको अब्दुल्लागंज से डायरेक्ट सलकनपुर, क्योंकि दोस्त रास्ता भी बड़ा प्यारा है और व्यू बहुत प्यारा है दोस्त। खास करके आप बरसात के दिनों में दोस्त आप यहाँ जाइए, बहुत ही झरने वगैरह मिलेंगे, रोड भी बहुत प्यारी प्यारी और मतलब अच्छी मिलेंगी यहाँ पे रोड भी। और यहाँ से दोस्त ज़्यादा ट्रैफिक नहीं होता क्योंकि दोस्त जंगल एरिया है। और दोस्त आप यदि फ़ोटो के शौक़ हो दोस्त, फ़ोटो खींचने के शौकीन हो, दोस्त आपको यहाँ पर जाना बहुत ज़रूरी, क्योंकि दोस्त इस एरिए में और इस रास्ते में दोस्त इतना प्यारा प्यारा व्यू मिलता है दोस्त कि बता नहीं सकता। बीच में दोस्त आपको पता ही होगा थोड़ा सा कि यहाँ जंगल पड़ता है, तो जंगल में दोस्त बहुत ही प्यारा व्यू वगैरह मिल जाता है। और उसके बाद में दोस्त आप यहाँ से दोस्त मज़े लेते लेते मस्ती करते करते आप जा सकते हो, और फ्रेंड के साथ यदि जाते हो तो दोस्त बहुत ही मज़ा आने वाला है। हम तो दोस्त दो लोग गए थे कार से, और बहुत ही इन्जॉय करा दोस्त हमने। तो दोस्त आप भी ब्लॉक में बने रहिए, और दोस्त आप देखिए कितना प्यारा नज़ारा मिल रहा है दोस्त कार से, सामने का व्यू वगैरह, और सामने का ये बहुत ही प्यारा मिल रहा दोस्त। हम लोग जब दो लोग गए थे दोस्त तो बिल्कुल बोरिंग नहीं हुए, क्योंकि दोस्त नज़ारा इतना प्यारा था कि दोस्त बता नहीं सकता, और रोड पूरी खाली थी दोस्त। तो अब ब्लॉक में बने रहिए दोस्त। थैंक यू दोस्त, माता रानी के दर्शन करने जा रहे हैं हम लोग, तो थैंक यू दोस्त।